In this video, we are going to study about the topic recurrence formula of LCS. That is how the recurrence formula works if we solve the LCS problem. Now let's see the formula. C of ij. What is C of ij? Is the length of LCS from I to J. Now, if I is equal to 0, comma J is equal to 0. Here is I is equal to row and J is equal to column. If both are 0, then we put all values 0. Now, if I, comma J is greater than 0, then and x of I is equal to y, then we have to put C of I minus 1 comma J minus 1 plus 1. Now otherwise, if x of I is not equal to y of I for I comma J is greater than 0, then we have to put maximum of I comma J minus 1 comma C of I minus 1 comma J. Which one is maximum, we have to choose. Now, where C of ij is equal to the length of LCS, that means agar hamare paas row ki value 0 hai aur column ki value 0 hai, to main LCS ko solve kar raha hu, to us row mein and us column mein mujhe kya put karna hai, 0 put karna hai. Otherwise agar I ki value बड़ा है 0 से या फिर j की वैल्यू बड़ा है 0 से, तो उस केस में अगर मैं करैक्टर को मैच करा रहा हूं x वाले सीक्वेंस का y वाले सीक्वेंस के साथ, अगर मैं कंपैरिजन किया, इफ बोथ करैक्टर आर मैच, देन मुझे क्या करना है, c ऑफ i minus 1 comma j minus 1 plus 1, तो उसके डायगोनल वाले एलिमेंट से प्लस 1 कर देना है. डायगोनल पे जो भी एलिमेंट पड़ा होगा वो मुझे क्या कर देना है, प्लस 1 कर देना है और उस रो में उस सेल में फिल कर देना है. अदरवाइज क्या करना, इफ i कमा j इज ग्रेटर देन 0 है, तो अगर i कमा j ग्रेटर देन 0 है, यानी कि हमारा जो रो नंबर 0 या फिर रो नंबर कॉलम नंबर 0 के अदरवाइज है, अगर हमारे पास, अगर मैं मैच कर रहा हूं x सेट के एलिमेंट का y सेट के एलिमेंट के साथ में और वो मैच नहीं किया, तो मुझे क्या चूज करना है, either we take the value from the left side or we take the value from the above, and what is the maximum value, we have to choose one of them, where c of ij is equal to length of ij. Now let's see the pictorial representation of what is I comma j minus 1 and I minus 1 comma j and I minus 1 comma j minus 1. Let's see the picture. So we have the coordinate. The first element is 00 and the second is 01, 02, 10, 11, 12 and 20, 21, 22. Let's see its value is I comma j. Then its left side element is I comma j minus 1. So yahan pe hamare paas ye coordinate diya hua hai, jisme se ye I ki value same hai aur j mein se minus 1 kar diya, wo 0 ho gaya. और इधर क्या है, हमारे पास i में से minus 1 कर दिया और j सेम रखा है, इधर दोनों में से minus 1 कर दिया और इधर minus 1 एक में किया और दूसरे वाले में plus 1 कर दिया, and here is दोनों में यहां पे एक में plus 1 किया दूसरे वाले में minus 1 किया, तो वो 0 हो गया. और इधर is इधर i plus 1 किया और इधर j है, and यहां पे क्या है, i plus 1 है और j plus 1, दोनों में plus 1 किया है. तो LCS problem को अगर मुझे solve करना है, तो मैं बस तीन ही value choose करता हूं. अगर मैं लेफ्ट साइड से वैल्यू चूज कर रहा हूं, तो कौन सा एरो लगाऊंगा, ये एरो लगाऊंगा. और अगर मैं उसके ऊपर वैल्यू को सेलेक्ट कर रहा हूं, तो कौन सा एरो लगाऊंगा, ये एरो लगाऊंगा. और अगर मैं डायगोनल से चूज कर रहा हूं, तो ये वैल्यू ऐसे एरो फिल करना है उस सेल में, उस सेल में ऐसे एरो फिल करना है. तो डायगोनल मींस दिस, यानी कि अगर मैं किसी भी सीक्वेंस को मैच कर रहा हूं, दो सेट के सीक्वेंस को, और वो दोनों सीक्वेंस मैच कर गए, तो मुझे क्या करना है, डायगोनल में जो भी नंबर होगा उसके साथ प्लस 1 कर देना है और ये सिंबल वहां पे पुट कर देना है.
अदरवाइज अगर मैच नहीं किया तो क्या करना है, या तो इधर से दोनों में से को जो जौन सा एलिमेंट बड़ा होगा उसको मुझे पुट करना है इस वाले सेल में, और अगर मैं इधर से चूज कर रहा हूँ तो ये एरो लगाना है, अगर मैं अपर साइड से चूज कर रहा हूँ तो ये एरो फिल करना है। तो दिस एरो विल प्रेजेंट व्हेन वी सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ एलसीएस, बट बिफोर दैट नाउ लेट्स सी व्हाट इज द एल्गोरिथम ऑफ एलसीएस